फ्रेंड्स, कुछ सब्जियां हमको खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत अलग अलग जगह की स्पेशलिटी होती है। वैसे ही जब मैं जयपुर गई थी तब मुझे आलू प्याज की सब्जी वहां पे बहुत अच्छी लगी थी। तो आइए अपन भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा वैसे ही आलू प्याज की सब्जी घर पे बनाएं। हम क्या बोलते हैं ना, एक मसाला पीस लेंगे जहाँ पे मैंने लिए है प्याज, लहसुन, अदरक, कुछ सूखी मिर्चें जो मैंने भिगाई थी। उसके बाद में मैं लूंगी आखे धने, दैट इज होल कोरिएंडर सीड्स। उसके बाद में कुछ काली मिरी, दालचीनी और जावित्री, हम लेंगे टमाटर, और इसमें मैं ऐड करूंगी हल्दी। इन सबको हम पानी डाल के एकदम फाइन पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, बिकॉज आलू प्याज की सब्जी है। प्याज छोटे वाले होंगे तो छोटे वाले, अगर आपके पास में छोटे नहीं है तो मीडियम साइज के, तो उनको चार में कट कर लीजिए। और पनीर, अब इन सबको अपन डीप फ्राई करके लेंगे। हम सबसे पहले गरम तेल में पनीर तल लेंगे। गाइज़, ये सुनहरा हो गया, देखिए पनीर, हम इसको निकाल लेंगे। और आप हमेशा पनीर निकाल के पानी में डालते हो, तो ये पानी का बाउल रेडी है और इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। अब हम लोग इसमें ही आलू तल लेते हैं। गाइज, इसका भी कलर देखिए सुनहरा हो गया है, इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम लोग प्याज को भी तल लेंगे। फ्रेंड्स, आइए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने वही तेल लिया जिसमें हम लोगों ने आलू प्याज तले थे। तेल जब गर्म होगा हम लोग ऐड करेंगे इसमें जीरा, कभी भी तेल को बहुत गर्म मत करिए, और कुछ तेज पत्ता, दालचीनी, स्टार एनिसेट दैट इज चक्री फूल, एक दो लौंग, काली मिरी जिसको हम बोलते हैं खड़ा मसाला। कसूरी मेथी और ये जो पेस्ट हमने बनाई थी वो, इसको भून लेंगे अच्छे से। सब कुछ कच्चा है इसलिए 15 से 20 मिनट तो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको आप करते रहोगे जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे मसाला, बिकॉज हमने हर चीज़ कच्ची डाली है। आइए तब तक इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। थोड़ा
थोड़ी हल्दी हमने अंदर डाली थी, थोड़ी और डालेंगे। लाल मिर्ची, ये नॉर्मल वाली अपनी जो तीखी होती है ये वो है। धना जीरा पाउडर, और थोड़ी सी कलर के लिए मिर्ची, दैट इज़ कश्मीरी लाल मिर्ची। नमक, और इसको थोड़ा और भूनने देंगे। फ्रेंड्स, ये मसाला अच्छे से रोस्ट हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही फेंट के। और इसको हम फिर से भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ऐड करेंगे इसमें हम किचन किंग मसाला। और फिर हम लोग ऐड करेंगे हमारी सब्जियां। पहले प्याज जो हमने तल के रखे थे, इसमें ऐड करेंगे जो आलू हमने वो तले थे वो, और इसको 5 मिनट भूनने देंगे। ऐड करेंगे गरम पानी, और 1-2 बॉईल अच्छे आएंगे फिर हम ऐड करेंगे इसमें पनीर। तब तक फ्रेंड्स, देखिए आप पीसते वक्त भी डाल सकते हो, मैं अभी डाल रही हूँ 1-2 हरी मिर्च, और अब हम इसको अच्छे से बॉईल ले लेंगे। फ्रेंड्स, इसको और 2-3 मिनट होने देते हैं और फिर इसमें ऐड करेंगे पनीर। आपको पता है इसकी खुशबू इतनी टेम्पटिंग है, पूछिए मत। ये मैं इसलिए 2-4 मिनट उबाल रही हूँ ताकि अगर आलू कहीं से भी कच्चा रहे तो वो पक जाए। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर जो हमने पानी में भिगा के रखा था। बस अब 3-4 बॉईल लेंगे और हमारी सब्जी इज़ रेडी टू सर्व। उसी के साथ में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। देख रहे हैं इसका कलर, इस कितना स्मेल के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा अरोमा आ रहा है इसका। ये हरा धनिया, और 1-3 मिनट उबालने के बाद में द सब्जी इज़ रेडी टू सर्व।